एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। दिवाली त्यौहार के दौरान आतिशबाजी में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद बशमूल 2 कमसिन बच्चे जख्मी हो गए। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज किया गया। सिद्धार्थ साकिन सैदाबाद, वैद्यनाथ साकिन लाल दरवाजे को आंखों में गहरा जख्म आने पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया। देखते हैं ये तफसीली रिपोर्ट। आज के लिए दीपावली के लिए स्पेशल 4 टीमों का इंतजाम करे हैं, जिसमें हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर रेसिडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट्स हैं और अदर स्टाफ है, हॉल स्टाफ, नर्सेस हैं और हेड नर्सेस हैं, जो मिलजुल के पेशेंट को मदद करेंगे और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे। अगर अब तक जस्ट 5 केसेस आए, जिसमें से 3 केसेस को हम दे के भिजा दिए, उनको सीरियस इंजुरीज नहीं थे, और 2 केसेस को हम एडमिट कर रहे हैं, जिसमें से 1 का सर्जरी होने वाला है। और हमारे स्पेशलिस्ट जो है, हर किस्म के स्पेशलिस्ट है यहाँ पर सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में। हमारे पास स्पेशलिटी है और सब स्पेशलिटी है। यहाँ पर रेटिना है, स्क्विंट है, ऑक्लोप्लास्टी है और कॉर्निया है, जिससे हम पेशेंट की हर बीमारी को पहचान के उसका इलाज करते हैं। यहाँ पर छोटा पैदा हुए से बच्चे से, प्रीमेच्योर बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों से, जिसको कैटरेक्ट मोतियाबिंद रहता, हम उनके सर्जरी में ये मैसेज देना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स को इको फ्रेंडली पटाखे यूज करो, और जो पेरेंट्स है अपने बच्चों के साथ रहो। क्यों बोले तो जब पेरेंट्स के गाइडेंस में बच्चे पटाखे छोड़े तो इंजुरीज नहीं होते ज्यादा। और बच्चों को क्या बोलते सो भाई, ऐनक पिना के पटाखे छोड़ने दो, उससे 90% ऑफ द इंजुरीज नहीं होते बच्चों को।